दर्शक बंधु, दुईटी बड़ा धमाका, गोटे पाकिस्तान रे आउ गोटे ईरान रे। तबे सबुठ बड़ कथा कि पाकिस्तान रे जो भली भाव रे धमाका होई, या तो धमाका नुह बरन एक विराट रेल दुर्घटना। दुईटी रेलगाड़ी परस्पर मध्यरे टक्कर देवा परे जो अवस्था उपजी, एथिरे पाकिस्तान रा प्रधानमंत्री मध्य निर्वाक हो जाइछन्ते। एक भयंकर विस्फोरण सह अनेक धनजीवन हानि घटी पाकिस्तान रे। दुईटी रेलगाड़ी इते जोर रे परस्पर मध्य बाड़े हो जाइछन्ती जे प्राय एपर्यंत प्राथमिक जो उद्धार कार्य रही एथिरु प्राय 40 जनंकर मृतदेह आविष्कार कलेणी एवं अनेक बहुत लोक एठिरे गुरुतर आहत होती एवं अनेकंकर पत्ता मध्य मिलुनि एवं उद्धार कार्य जारी रही। तबे एभली घटना समस्त पाकिस्तान प्रशासन को व्यथित करछि। इमरान खान रेलवे मंत्री आजम स्वाती को कहिछन्ति तुरंत घटनास्थल को परिदर्शन करंतु एवं जो माने आहत समानंकु त्वरित गति रे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करबा भली सुजोग सेठारे सृष्टि करंतु एवं यहाँ निश्चित करंतु जे जो माने गुरुतर भाव में आहत होती सेमानंकु जेकोनसी माध्यम भी बड़ चिकित्सालय को पठा जाव। ए घटना घटी ढोरकी थारे कराची 440 किलोमीटर दूरतार धारकी एवं एही स्टेशन पाखापाखी एही दुर्घटना सोमवार दिन घटी। एवं सबुठ बड़ कथा एथिरे दक्षिण रु उत्तर को आसुथबा एवं उत्तर रु दक्षिण को जाउथबा दुईटी ट्रेन परस्पर धक्का लागिथिले। प्रथमे दक्षिण रु उत्तर को आसुथबा गुटे ट्रेन पटरी रु तळकु चली आसतिला, सेपटु द्रुत गति रे आउ एक ट्रेन उत्तर रु दक्षिण को जाउथबा पळे सीधा सडख दुईटी ट्रेन भितरे भयंकर धक्का आइथिला एवं कंपार्टमेंट गुटिए परे गुटिए कंपार्टमेंट परस्पर उपरे चढ़ी जाइछन्ते। एथिरे अनेक लोक दबि जाइथिबा जणा पड़िछि, एपरि कि इंजन भितर को मध्य कंपार्टमेंट धसई पसी। सबुठ बड़ कथा भारतर जो रेल विभाग रही एबे रेल विभाग एही दुर्घटना नजर करी अनेक प्रकार व्यवस्था करिछि कि जदि केबे दुर्घटना हुए कंपार्टमेंट आर कंपार्टमेंट उपर को चढ़ी पारिबो नाही, एभली घटना घटिबो नाही। एभली भापरे ट्रेन गुड़ी को परिवर्तन कराइछि, ए ढांचा दिया जाइछि। किंतु पाकिस्तान रे एही टेक्निक एपर्यंत रेलवे मंत्रालय तरफ सेवा जोगाइ दिया जाय नाही, जहाँ फळरे एही दुईटी ट्रेन धक्का लागिला परे गोटे कंपार्टमेंट आउ गोटे कंपार्टमेंट को चढ़ी जाइछि। पटे ईरान रे मध्य एक दुखद घटना घटी। किछि दिन तळे आमे संवाद रे कहितलु कि ईरान रो एक वारशिप विस्फोरण करी उड्डाई दिया जाइथिला एवं एहा समुद्र रे डुबी जाइथिला। अनेक चेष्टा करी एही जहाज को उद्धार करा जाय नथिला। ईरान एहार तदंत करछि कि नै 24 घंटा मध्यरे ईरान रो राजधानी भितरे थिबा एक ऑयल रिफाइनरी रे मध्य एक भयंकर विस्फोरण देखा दिथि। ता इति जोर रे तीव्र थिला जे प्राय 15 किलोमीटर दूर रु जे केही फोटो उत्तोलन कले मध्य फोटो रे कोनोसी प्रकार रो व्याघात घटनथला। अर्थात इते ऊपर को नियार झास देखा जाउथला कि एहा दूर दूर पर्यंत देखा जाउथला कि एठारे निया लागिथि। तमने एक भयंकर अग्निकाण्ड एही ऑयल रिफाइनरी रे देखिबा को मिलिथला। तार गुटिए दुई दिन परे हठात ईरान रो दक्षिण पार्श्वरे थिबा स्टील प्लांट रे पुणी एक विस्फोरण घटी एवं एथिरे मध्य भयावह अग्निकाण्ड देखा जाय। तबे ईरान रो लगातार धमाका ईरान को जो भली भाव में विचलित करथबो ए दिगरे सब प्रकार तदंतरु अत्यंत पक्षरे एहा प्राथमिक स्तर जे कि शुणब से कहबो कि एहा पछर रही इज्राएल। किंतु इज्राएल रे एभली राजनैतिक संकट रही जे इज्राएल एबे अत्यंत पक्षरे ईरान पट को ध्यान केन्द्रीभूत करिबो नाही। अर्थात एहा बाद आउ कोन कारण रही थई पारे कहा जाय कि ईरान वर्तमान कोविड रो प्रथम लहर अत्यंत दुस्थिति अवस्था दे गति करुछि। एहार टंकार मूल्य रे अवनति ह्रास होईछि। अमेरिका जो प्रकार रो प्रतिबंधक लगैछि एहा निजर जीडीपी को उठाई पारु नाही। अर्थात दिन कु दिन गरीब होइ चलछि ईरान। एवं पुनश्च ईरान रो अधिकांश कलपुर्जा व कारखाना गुड़िक जो गुड़िक काम करुछि एठिकार व्यवहार होतबा कलपुर्जा गुड़िक अत्यंत पुरातन एवं चीन रु व्यापक मात्रा रे एठारे सामान रहितिले मध्य चीनी माल को भरोसा करी हेबो नाही। एवं
ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ନୂଆ କଳପୁର୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇରାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ଇରାନ ଏବେ ୟୁଏନ୍ରୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ହରାଇ ବସିଛି, କାରଣ ବକେୟା ଟଙ୍କା ୟୁଏନ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନାହିଁ ଇରାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଇରାନ ଗତି କରୁଛି, ଏଥିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କି ଇରାନ ହେଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଟକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।